अज होना दीदार माही दा, अज होना दीदार। तुसी गेस्ट वेखना वा तुहाडियां चीकां निकल जाणियां, तुसी गेस्ट वेखना वा ते तुसी कहना वा बई सुभान अल्लाह, तुहाडा मन पसंद दिलकश दिल नौरीन सुभान अल्लाह गेस्ट ऐसा बई खूमड़ ही नहीं मान। ओह बई मैं तुहानू दसा, अक्सर लोग कहते ना कि मैं मजीद आपके और मेहमान के दरम्यान में दीवार नहीं बन सकता, तो आइए चलते हैं, कहते ना। तुसी कमेंट करने थले के यार तू दीवार ढाई क्यों आ। गेस्टो गेस्ट 44 है जी, गेस्ट साढ़े गेस्ट नहीं, गल है नादरीन तुसी आप कहोगे कि भाई वाकई गेस्ट इदा का बंदा होना चाहिए कि सुभान अल्लाह भाई शकल सूरत तो छोड़ो, वो तो अल्लाह ने बनाइया ने, वह कोई रौला नहीं, लेकिन सुभान अल्लाह हूँ तोड़दा दीवार आपके और गेस्ट के दरमियान से मैं निकल रहा हूँ। अब अगला जो फ्रेम आएगा कैमरे का वो आपको आपके होश उड़ा देगा। हमारे आज के गेस्ट जनाब फैसल रावे। नादरीन बात ये है कि गेस्ट तो आते ही रहते हैं सारे, लेकिन फैसल रामे आजकल भाई छाया हुआ है शायरी, ऐसी दर्दनाक शायरी सुनाता है अगले बंदे को, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, और उसके बाद फिर जो होता है वो एक नई चीज़ फैसल रामे ने मुतारफ कराई है। मिलियन डिलियन बिलियन में व्यूज हैं फैसल रामे साहब के। नादरीन साढ़े नाल नासर मुगल साहब, मेरे बड़े अच्छे दोस्त, मेरी सहेली, उहदे नाल आमर साहब सिंगर ने जिहड़े, उहदे नाल अदनान भाई बेस गिटार ते, और साडे नाल एडी भाई ढोलक ते। एडी मतलब मैं तुहानू एंड ते दसांगा एडी दा की मतलब। फैसल साहब कैसे हैं आप? अलहमदुलिल्लाह सर। फैसल साहब आप हमारे आज गेस्ट हैं जी, कोई कॉमेडियन नहीं यहाँ पे, कोई जुगते हैं, मैंने इन सबको रोका हुआ कि खबरदार मैं चपेड़ा मारांगा किसी ने अगर बदतमीजी की थी। सर तुसी 101% साडे गेस्ट हो, मेरे को कसम चुका लो भावे सर, बिल्कुल तो तुसी बिल्कुल डरना नहीं। सर जैसे ही ये हरकतें कर रहे थे मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं गेस्ट हूँ। हाँ गुड शाबाश, ये देखा ना। अच्छा मैं आपसे कहाँ, क्या आपकी इतनी लाइफ की स्ट्रगल है, मतलब कहाँ आप चाल से थिएटर, थिएटर से चाल, चाल से थिएटर, कहाँ कहाँ आप उसी रास्ते में आते जाते रहे हैं? वाह वाह भाई, आपने चप्पा चप्पा चरखा चले। कमाल है भाई जी, मैं समझ गया आप क्या पूछना चाह रहे हैं मुझसे। रिस्पेक्ट मैं कर रहा हूँ आपकी। अच्छा नादरीन एक मैं आपको बात बता दूं, मेरी एक बात आप ध्यान से सुन लें, वो लोग भी मेरे सारे हमारे आर्टिस्ट अगर देख रहे हैं प्रोग्राम, कि ये इन ये फैसल रामे साहब है, हमारा भाई है, इसके साथ हम अगर मजाक थोड़ा सा जरा ज्यादा हो जाए वॉल्यूम मजाक का, तो आपने कल को हम आपको कहें जी आप हमारे गेस्ट हैं, तो आपने ये रेफरेंस नहीं दिमाग में रखना कि लो जी फैसल रामे आया सी तो वो इन्ना कीता सी। नहीं नहीं, हर गेस्ट की जितना वो क्या कहते हैं डिजर्व करता है, या जितना डिजर्व करता है उतना उसकी रिस्पेक्ट होती है सर। बिल्कुल सर। तो लेकिन जब आप गेस्ट बन गए हैं तो नहीं भी डिजर्व करना तो करनी पड़ती है जी। बेसिक आप कह रहे थे कि झाल से ये वो स्ट्रगल, तो इंसान की जो स्ट्रगल है ना वो सारी जिंदगी माँ के पेट से शुरू हो जाती है, रिवायती डायलॉग है, खत्म नहीं होती, खत्म नहीं होती। ओके ओके अच्छा ठीक है, खत्म नहीं होती कि जब आंख खुले समझो कि सुबह हो गई है, स्ट्रगल जारी। नहीं मैं आप सुबह 7 बजे सोता हूँ, मेरी शाम 4 बजे आंख खोलती, मैं कैसे सोच लूँ कि सुबह हो गई। सर नहीं आप स्ट्रगल ना करें, आप अपना चेकअप करवाएं, ट्रीटमेंट जरूरी है, वो जरूरी है, वो करते रहें, को स्ट्रगल करनी चाहिए। बचपन कहाँ गुजरा आपका? लग्जरी, अल्हम्दुलिल्लाह लग्जरी, अच्छा लग्जरी वन या टू? सर अच्छी लाइफ गुजारी है, क्योंकि मेरे अबू ने अल्हम्दुलिल्लाह औलाद के लिए वालदैन तो करते ही करते हैं, लेकिन मेरे अबू ने कुछ ज्यादा ही स्ट्रगल हमारे लिए की है। माशाल्लाह। इब्तदाई तालीम आपने कहाँ से हासिल की? सर बेसिक जो मैं यानी कि नर्सरी प्रेप प्री नर्सरी वो शाह फैसल स्कूल से मैंने, फिर उसके बाद मैं आला तालीम हासिल करने के लिए MC मॉडल हाई स्कूल आ गया, फिर मैंने मैट्रिक वहाँ से किया, ठीक है,
फिर उसके बाद मैंने कॉलेज लाइफ प्राइवेट ला जी आला तलीम मैट्रिक सी उदो मैट्रिक उस दौर में भाई वो जो आजकल हमारे बुजुर्ग है ना मैट्रिक जिन्होंने की हुई है उन्होंने कभी हिसाब करके देखी 16 पढ़े जेडे पता नहीं की एम फिल करने वाले भी ना वो कैलकुलेटर हिसाब करते हैं वो इंज इंज करके कहते कि 36, 72, 91 3433 रुपये तो वो तुम जेडे मर्जी कैलकुलेटर मार लो ओके होंगे ने मैट्रिक मैट्रिक बहुत बड़ी बात थी उस वक्त आज भी अगर आप मैट्रिक नहीं करते ना अगे तुम कख नहीं कर सकते मैट्रिक बेस है मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड अच्छा इब्तदाई तालीम यहाँ से हासिल की ग्रेजुएशन तक इख्तितामी तालीम कहाँ से हासिल की नहीं तालीम तो जारी है जारी है पढ़ना चाहिए वो आपकी बनियान नजर आ रही है मुझे बुनियान ठीक करें अपनी ये मेरा एक स्टाइल है कोई इशू नहीं है मैं को वो एंकर नहीं हूँ जो बड़ा आर्टिफिशियल सा बन के आता है नॉर्मल इंसान हूँ इंसान की बनियान नजर आती है आपकी नहीं नजर आ रही देखें सर आप कवर करके बैठे ना आप माशाल्लाह प्रॉब्लम क्या है नाम है आपका मेरा नाम है तो कोई भी नहीं कह रहा आपको क्या प्रॉब्लम है मेरी है आपको नजर आ रही है तो क्या प्रॉब्लम है इसमें मेरा ध्यान पैंदा सीधे ही तो मेरा भी आपके नाक पे पड़ रहा है मैंने तो कुछ नहीं कहा सफर जिंदगी का क्या शौक कहां से पड़ा आपको सर शौक बचपन से ही था किस चीज का वैसे मुझे पता नहीं आप क्या करते क्या आप सानू भी नहीं जी पता है मोहतरम साडे आप बताए ना आप क्या करते हैं ना मतलब पता चले सर मैं बेसिक तौर पे मुझे फनकार बनने का बड़ा शौक है माशाल्लाह अच्छा आप वो फैसल रामे हैं अल्लाह की कसमें हुई हैं आपकी आजकल आपके तो आजकल वो टिक बुक पे और फेसटॉक पे इनके बड़े चल रहे हैं और सर इंस्टा ट्यूबर पे है सर इनका जो डाटा है हाँ वहाँ पे है यूग्राम पे हाँ हाँ जी वो आपके मिलियन में जा रहे हैं सर नहीं अभी नहीं जा रहे मैंने पिछले हफ्ते इंस्टा अपना बनाया अकाउंट तो विद इन 15 डे मुझे 10 मिलियन लोगों ने वॉच किया वाह 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 अच्छा वो आप जल्दी जल्दी हमारे प्रोग्राम का टाइम बहुत कम होता है एक मिनट बनैन सही कर लो उस्ताद जी बनैन सही करो अंदर करो उलझन होने दी मैनू अब बनैन अंदर करो अरे भाई आपको क्या प्रॉब्लम है यार मसला क्या आपको आपकी 36 चीजें मुझे जो नहीं अच्छी टाई नहीं अच्छी लग रही देखो इस रंग पे इस रंग की टाई कायनात में कोई बंदा नहीं पहनता सर ये मेरी फेवरेट टाई है दरअसल ये मुझे गिफ्ट आई थी ये मेरे अबू बहुत शौक से पहनते थे तो भाई नीचे शर्ट भी तो उसके मैचिंग करके पहननी थी ना आप नहीं सर वो मेरी वाइफ ने मुझे कहा है कि आज ये पहन गए क्योंकि मैं गेस्ट जहाँ भी जाता हूँ तैयार मुझे वही करती है सुबह जब मैं स्कूल जाता था वही तैयार करती थी मुझे चले आप कोई अपना वो शेर हमें प्लीज यार वो शेर अच्छा शेर मैं आपको सुनाऊं वो नहीं नहीं वही जो आपका वायरल हुआ है वही अच्छा मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ कि बेसिक मैं जब शेर सुनाता था ना लोग रोने लग पड़ते थे जी जी ऐसा ही है बिल्कुल लेकिन मेरा ये मिशन नहीं है हाँ। मैंने हंसी और मुस्कुराहटे बखेरनी है ये मिशन है मेरा अल्लाह मुझे कामयाब करे अल्लाह सबको कामयाब करे आमीन आमीन जी जी तो एक तो बड़ा मशहूर जो वायरल हुआ था जो मांगू दे दिया कर ऐ जिंदगी वाह 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 क्या कहने जी 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 वाह वाह जो मांगू दे दिया कर ऐ जिंदगी कभी तो मेरे बाप जैसी बन जा वाह कभी तो मेरे बाप जैसी बन जा वाह 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 और जेब खाली हो फिर भी मना नहीं करते देखा वाह मैंने बाबा से अमीर कोई शख्स नहीं देखा वाह और बाप के बाद खुद ही है सबसे बचना मैं नागन डांस नचना मैं नागन डांस अच्छा ये जो मैं नागन डांस नचना में आपने एक मार्फत की बात की ना ये बहुत कम लोगों को समझ आएगी मेरे हिसाब से बिल्कुल सर ये मजाक नहीं है वैसे नहीं नहीं बेसिक रोते हुए को हंसाना ये मैंने टर्न यूं ही लिया हाँ कि ताकि लोग खुश हो जाएं पहले इमोशनल होंगे फिर खुश हो जाएं हाँ, ये एक लाइन के बाद ये थू टर्न है जी हाँ, ये बाबा एक मैं और सुनाता हूँ आपको ये मैंने आज ही लिखा है जी जी वाह वाह क्या बात है क्या बात क्या कहने पे ये होता है जो कोई कोई ऐसा कलाकार होता है कि पहले ही दाद ओहो ये सर मैंने लिखा है तो आप बिलीव करें कि मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब भी मैं अबू को सामने रख के सोच के लिखता हूं कि खुद फाके काट के हमको है पाला मेरे अबू ने ओहो खुद खाके अबू ने हमको है खाक खुद फाके पाल के
हमको है अबू ने काटा। वाह 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 जी वाह वाह वाह। क्या यही है, क्या हो गया? टीम ना बना लिए, तुम इधर हो जाओ मैं इधर हो जाना। खुद फाके काट के हमको है पाला। हाँ, खुद फाके काट के हमको है पाला, मेरे अबू का अंदाज था दुनिया से निराला। वाह वाह वाह, मेरे अबू का अंदाज था दुनिया से निराला, मुझे जिंदगी का हर हुनर सिखाया मेरे अबू ने। मेरे जिंदगी का, मुझे जिंदगी का हर हुनर सिखाया मेरे अबू ने, मेरे अबू ने बस अपने बगैर जीना नहीं सिखाया। बस अपने बगैर जीना नहीं सिखाया, मुझे जिंदगी का हर हुनर सिखाया मेरे बाप ने, अपने बगैर जीना नहीं सिखाया। बाबा एक बार आओ मुझे जीना सिखा दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो। ये मैं भी नहीं मुड़े, आप यकीन करेंगे मैं बस ये कहां से उतरते आपके दिमाग, आपके दिमाग में इतना हिजर कहां से उतर आता है? मेरी तो रो रो के बखियां टूट गई। और मैं गुर्बत पे मैंने बहुत लिखा है, ऊंची इमारतों ने मेरे घर को छुपा दिया, कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए। फैसल साहब वाह, ऊंची इमारतों ने मेरे घर को छुपा दिया, कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए। और पंजाबी में था, उचिया कंधा वालिया डक ली मेरे घर की रोशनाई। उचिया कंधा वालिया डक ली मेरे घर की रोशनाई, रोशनाई रब की बख्शी धुप भी लोको मेरे तक ना आई। गुरबत इस दुनिया ते बहुत वड्डा अजाब है, मेरा ढोला खानदानी नवाब है। यार तू तो खानदानी अजाब है। वाह वाह वाह, फैसल साहब आप खुद भी मेरा ख्याल रो पड़ते हैं जब आपको आमद होती होगी। यार तुम किसी की भावनाओं का मजाक उड़ा रहे हो वैसे। वाह वाह फैसल साहब, क्या बात है, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में। आप दोबारा भी आ सकते हैं प्रोग्राम में? मुश्किल है। अच्छा, मुझे पता चला था कि आपके चोट भी लगी है टांग आपकी। हाँ जी, मेरे मेरी टांग टूट गई थी, क्योंकि कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा हमारी टीम से जेलस होते हैं। वो गाड़ी मार के भाग गया, मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से पहचानता हूँ। वो बंदा मेरे सामने आएगा, मैं उसको पहचान लूंगा इंशाल्लाह ताला। अगर तो वो मुझसे आके माजरत कर जाता है तो फिर एक अलग बात है, लेकिन अगर मैंने उसको पकड़ा तो उसके लिए बुरा होगा। वो धमकी? धमकी नहीं है सर, ये रिक्वेस्ट है उससे कि मेरे को माफी मांगे। कि माफी मांगे, मैं मुतमईन होगा कि यार माफी मांगे यार। ना भी मांगे तो की है, नहीं लेकिन फिर मैं मुतमईन ही ना होगा। फैसल साहब गल्लां ते आपां करदे ही रहना, बल्कि तुसीं ते हटना ही नहीं। ते एक गाना सुन लिए अगर तुहाडी रजामंदी होवे ते। बिल्कुल सर, बहुत प्यारा, बड़ा मधुरा सुरीला गाना। मुसीकी लो जी नाज़रीन, गाना सुनदे उस तों बाद फिर फैसल साहब नाल गलबात कर लें। टहनी तो टूट जान जो पत्ते, टहनी तो टूट जान जो पत्ते, फिर कदे ओ हरे नहीं हुंदे। वादा करके जो छड़ जांदे, वादा करके जो छड़ जांदे, सजन कदे ओ खरे नहीं हुंदे। की मिलिया तेरी हो के रांझणा, की मिलिया तेरी हो के, की मिलिया तेरी हो के रांझणा, की मिलिया तेरी हो के। दिल बदले दिल नू गवाया, दिल बदले
ਨੂੰ ਗਵਾਇਆ ਨੈਣ ਗਵਾ ਲੈ ਰੋਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰੀ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰੀ ਹੋ ਕੇ ਰਾਂਝਣਾ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰੀ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰੀ ਹੋ ਕੇ ਰਾਂਝਣਾ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰੀ ਹੋ ਕੇ ਚੂਰ ਚੂਰ ਹੋਏ ਫੀਤਾ ਫੀਤਾ ਕੰਧਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਚੂਰ ਚੂਰ ਹੋਏ ਫੀਤਾ ਫੀਤਾ ਚੰਦਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੜਫੇ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛਲੀ ਬਿਨ ਪਾਣੀ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਦਿਲ ਸਿਮਦਾ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਲ ਸਿਮਦਾ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੀਨੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਲਗੋ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰੀ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰੀ ਹੋ ਕੇ ਰਾਂਝਣਾ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰੀ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰੀ ਹੋ ਕੇ ਰਾਂਝਣਾ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰੀ ਹੋ ਕੇ ਦਿਲ ਬਦਲੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਗਵਾਇਆ ਦਿਲ ਨੂੰ ਗਵਾਇਆ ਨੈਣ ਗਵਾ ਲੈ ਰੋਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰੀ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰੀ ਹੋ ਕੇ ਰਾਂਝਣਾ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰੀ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰੀ ਹੋ ਕੇ ਰਾਂਝਣਾ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰੀ ਹੋ ਵਾਹ 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 ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕੇ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਕਸਮ ਏਡਾ ਅੱਛਾ ਸਿੰਗਰ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੈਂ ਸਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਿੰਗਰ ਸਰ ਆਹੋ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸਰ ਆਪ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਮੁਗਲ ਬਰਾਦਰੀ ਸੇ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਆਪਕਾ ਲੇਕਿਨ ਕਾਨੋ ਕੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੀਲਾ ਨਹੀਂ ਮੁਗਲ ਹੈ ਤੋ ਕਾਨੋ ਕੇ ਸੁਰੀ ਮੁ ਕਹਤੇ ਮੁਗਲ ਜੋ ਹੈ ਗਲੇ ਕਾ ਜਾਂ ਕਾਨੋ ਕਾ ਸੁਰੀਲਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲੇ ਸੇ ਨਹੀਂ ਤੋ ਕਾਨੋ ਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਰੀਲਾ ਹੋਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੁਗਲ ਖੋਰ ਹੈ ਹੈਂ ਮੁਗਲ ਖੋਰ ਹੈ ਬਸ ਆਪਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਮੀਜ਼ ਕੇ ਦਾਇਰੇ ਮੇ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣੋ ਨਹੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਕਰ ਲੈਣੇ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਜੀ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਵੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਡ੍ਰੀਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਡ੍ਰੀਮ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੋਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਆਪਣੇ ਹਮਸਾਏ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੋ ਯਾਰ ਉਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਖਾਨੇਵਾਲ ਤੇ ਖਾਨੇਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਜੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਕੱਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇੰਨੇ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਬੇਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾ ਸਭ ਬੜਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਇੱਕ ਐਨ ਜੀ ਓ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੈਸੇ ਨਾ ਬਣਦੀ ਐਨ ਜੀ ਓ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦਸਤਰਖਾਨ ਦਸਤਰਖਾਨ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹ ਲਗਾਊਂਗਾ ਅਨ ਕਰੀਬ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਮੈਂ ਦਸਤਰਖਾਨ ਲਗਾਊਂਗਾ ਔਰ ਉਸ 'ਤੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮੁਫਤ ਖਾਣਾ ਖਾਇਆ ਕਰੇਂਗੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਉੱਧਰ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਊਂਗਾ ਸਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਗੈਸਟ ਆ ਛੋਟਾ ਸਵਾਲ ਚਲੇ ਰਹਿਣੇ ਵੱਡਾ ਗੈਸਟ ਛੋਟਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਿਵੇਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੇ ਜਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਂ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਅੱਛੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਕਰਨਾ
और अच्छी लुकिंग आपकी नजर आए, जहां भी जाएं लोग तारीफ करें आपकी और आपके खानदान की। तुसी उल्टे पुट जिदा कंधे दे नाल इंज करके खड़े हो जी दा लत्ता उदों खाना खांदे हो जिहड़ा सारा मुंह च आई जांदे आ। हमारे साथ जी नासिर मुगल साहब, बहुत प्यारी शख्सियत, बड़े अच्छे इंसान, बड़े अच्छे म्यूजिशियन कह लें आप, मतलब बेसिकली कीबोर्ड प्लेयर हैं लेकिन हारमोनियम भी, और कुछ भी ना हो बस हमारे दोस्त हैं, तो हमारे साथ आ जाते हैं जब भी हम बुलाते हैं, इनकी मेहरबानी है। अपना बहुत ख्याल रखिए नादरीन, इंशाल्लाह। एडी भाई अच्छा, और नादरीन तुसी गौर कर रहे हो कि तीन जिहड़े साडे दोस्त ने इधर बैठे ने, एक साडे इधर ढोलक वाले बैठे ने, ठीक है, और फाइनल आदमी ने, इन्हां दा नाम है एडी भाई। एडी केडी अल्लाह दिता, अच्छा अल्लाह दिता, अल्लाह दिता दा शॉर्ट है एडी भाई, और तुसी देखो शरीफ आदमी, शरीफुल नफ्स, ठीक है जी, और माशाल्लाह ढोलक प्लेयर, ते ए तुहानू एक राज आके इन्हां नू लहदा को बिठाया सारिआं तों सही, ये तुहानू फिर किसन ये राज जिदन खुल गया ना उदन काम बहुत खराब हो जाना। उन्होंने तिना ने उधर बहना सी, वह नहीं मने, वह कहते इन्होंने लैदा पाओ। अच्छा मैं राज क्या, तू राज रहन दे। लो जी नादरीन, तुसी जरा गाने का मजा लवो, तो मिलते अगले प्रोग्राम च, फिर रब रखा। चंगियां ने लड़ाइयां डोला चंगियां ने, चंगियां ने लड़ाइयां डोला चंगियां ने, वैसा निकल के मर मैनू लगदा है डर, वैसा निकल के मर मैनू लगदा है डर, नित नित दी जुदाइयां डोला चंगियां ते नहीं, चंगियां नहीं लड़ाइयां डोला चंगियां नहीं, चंगियां नहीं लड़ाइयां डोला चंगियां नहीं। डोला छड़ बेईमानी मेरी रुल गई जवानी, डोला छड़ बेईमानी मेरी अखियां रुवाइयां डोला चंगियां ते नहीं, चंगियां नहीं लड़ाइयां डोला चंगियां नहीं, ओ चंगियां नहीं लड़ाइयां डोला चंगियां नहीं, वैसा निकल के मर मैनू लगदा है डर, वैसा निकल के मैनू लगदा है डर।